दोस्तों कैसे हो तुम लोग, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। अगर आप पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं तो दिस इज़ अली खान फॉर यू। एंड इस वीडियो में मैं जैसे लास्ट के दो वीडियोस में प्रॉमिस किया था कि कॉस्ट ब्रेकडाउन वीडियो बनाऊंगा दांडेली के बारे में, तो जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे, ये वीडियो उसी के बारे में है। अगर आपको दांडेली के वीडियोस देखना है डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है। तो गाइस, पुणे से हम लोग ट्रैवल किए थे दांडेली के लिए जो कर्नाटक में है, और यहाँ से पुणे से 490 किलोमीटर्स है अराउंड, या 490-460 किलोमीटर्स है दांडेली। 17 का ग्रुप था हमारा, तो हमने 17 सीटर की ट्रैवलर बस हायर किया था जो एक परफेक्ट था हमारे लिए। और बस का खर्चा अगर आप पर पर्सन डिवाइड करके मैं आपको बता दूँ तो 650 पर पर्सन बस का खर्चा आया था। और जब आप इंटर स्टेट ट्रैवल करते हो तो आपको टैक्स भरना पड़ता है, तो उस टैक्स का पर पर्सन आपको 600 भरना पड़ता है। तो हमको ट्रैवल और टैक्स के मिला के 1200 रुपये पर पर्सन आने और जाने का खर्चा हो गया था। तो बात करते हैं रिजॉर्ट की। रिजॉर्ट का वीडियो अगर आप देखे रहेंगे तो उस रिजॉर्ट के एक्टिविटीज़ और जो रहना खाना और बुफे लंच डिनर और ब्रेकफास्ट जो है हमको 1800 पर पर्सन के क्वाड शेयरिंग के बेसिस पे मिला था। ये देख सकते हैं आप, ये रूम कैसा था। तो ये रूम दो बंकर्स बेड के साथ था जो फ्रेंड्स के लिए ओके है, और फैमिली के लिए है तो आपको 1800 से 2000-2500 के पैकेजेस मिल सकते हैं और आपको एक्टिविटीज सेम रहेगी। फिर क्या खर्चा हुआ हमारा, रिवर राफ्टिंग का जो है आपको भी वैसे पैकेजेस मिलेंगे 500, 1000, 1500 जो कि अलग अलग किलोमीटर्स और स्ट्रेच पे रहते हैं, बट ड्यू टू कंडीशंस वो डिसाइड करते हैं कि आपका कौन सा राइड होना चाहिए। बेशक अगर कंडीशंस फेमिलियर है तो आप कौन सा भी राइड कर सकते हैं, बट हम जब गए थे जो वाटर का पानी का जो फ्लो था बहुत बड़ा था, तो हमको ऑप्शन नहीं था सिर्फ 500 का लेने का। और आप देख सकते हैं रिवर राफ्टिंग के वीडियो में हमने उसमें भी बहुत एंजॉय किया। तो या 500 सबसे छोटा था, और जो सब में बड़ा था वो 12 किलोमीटर का स्ट्रेच रिवर राफ्टिंग था है। और चाहूँ तो मैं नेक्स्ट टाइम वो एक्सपीरियंस करूँ। फिर अगर मिसलेनियस खर्चे पकड़ेंगे तो 500-1000 आपके हिसाब से रास्ते पे नाश्ता कर लिया या फिर वहाँ पर कुछ शॉपिंग कर ली। तो अगर मेरा हमारा पर्सनल खर्चा बताऊँ तो सब एड अप करके कुछ इतना आता है। तो मैंने जब प्लान किया था ये ट्रिप में और मेरे दोस्तों के साथ, तो हमने एस्टिमेट बनाया था कि 4500 एस्टिमेट निकाला था हमने, बट हम लोग 500 सेव कर लिए। हमारे सब इंक्लूड किया है इसमें, लंच ब्रेकफास्ट स्टार्टिंग से लेके एंड तक। तो या अगर आप दांडेली आ रहे हो तो हमारा 2 दिन का स्टे था वैसे, बट दांडेली के लिए हमने बहुत सारे चीज़ें मिस भी किया है, जैसे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सिंथेरी रॉक्स और बहुत सारी चीज़ें हैं देखने के लिए। तो 3 से 4 दिन दांडी के लिए एक परफेक्ट हॉलीडे है। और आप 5000 का अगर आपका बजट है और आप महाराष्ट्र कर्नाटक के आसपास रहते हो तो आपको दांडेली एक बहुत ही परफेक्ट लोकेशन है ट्रैवल करने के लिए। और ऑब्वियसली जब लॉकडाउन हटेगा और वैक्सीन्स आ जाएगी और हम सब ट्रैवल करने लगेंगे तो दांडेली एक परफेक्ट डेस्टिनेशन है ट्रैवल करने के लिए। आपको इस सब से एक ब्रेक लेने के लिए, इन सब से बाहर आने के लिए। तो गाइज, आई होप वैक्सीन्स कम सून एंड वी गेट टू ट्रैवल अगेन। अंटिल देन, दिस इज़ अली खान फॉर यू साइनिंग ऑफ। बाय बाय एंड टेक केयर।